यूपी के बांदा जिले में अत्याचार और शोषण के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इन महिलाओं के प्रदर्शन और विरोध के तरीके भी काफी रोचक हैं। पानी की टंकी पर चढ़ जाना, कार्यालयों में ताले जड़ देना आदि इनके लिए काफी आम है। इस फौज का मुख्य हथियार बेलन है, तभी तो इसे बेलन फौज के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, लेकिन उनको संगठित होना चाहिए। तो एक संगठन के रूप में मैंने कहा कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले दम पे तलवार उठा करके इतनी महिलाएं सक्रिय कर ली थी, तो मैं बेलन उठा क्यों नहीं कर सकती। तो मीडिया ने बेलन फौज नाम दे दिया, तो मेरे मन में एक हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई की तलवार तो पुष्पा गोस्वामी का बेलन चलेगा। बहुत अच्छा हमारे लिए, तो हम जितने समय कह देते उससे बेचारी तैयार है, इधर का काम छोड़ के बेचारी किसी भी जनता कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो कर्मचारी हमेशा चाहे जिस दिन हो चाहे रात हो हमेशा तैयार रहते हैं। जब अधिकारी गरीबों की मजलूमों की गुहार नहीं सुनते, तब ये बेलन फौज बेलन लेकर अधिकारियों के चौखटों को खटखटाता है। बांदा से अनिल तिवारी, ईटीवी भारत।